नमस्कार, मैं प्रिया। बिहारी न्यूज एक नया सेगमेंट लेकर आया है, बेरोजगारों के लिए रोजगार, जिसमें हम आपको गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में निकले वैकेंसीज के बारे में बताएंगे, जो है इस प्रकार। हिरवा एचआर सॉल्यूशंस के सेल्स एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव भारत में बैंकों के लिए सेल्स मैनेजर, इंश्योरेंस सेल्स यूनिट मैनेजर, एजेंसी मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर सेल्स के लिए हायरिंग कर रहे हैं। इस पद के लिए आवश्यक अनुभव और योग्यता कुछ इस प्रकार है। इन पदों पर आवेदन भरने की आयु सीमा 21 से 35 साल है। वहीं अगर अनुभव की बात करें तो सेल्स डिपार्टमेंट में 6 महीने का अनुभव होना अनिवार्य है। वहीं अभ्यर्थी की हिंदी या अंग्रेजी माध्यम से कम ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई भी पूरी होनी चाहिए। सैलरी स्लैब 15,000 से 23,000 रुपए तक है। अभ्यर्थी 16 नवंबर तक आवेदन भर सकते हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड में भर्ती। बिहार विद्यालय परीक्षा बोर्ड ने प्राइमरी टीचर और ग्रेजुएट टीचर के लिए पोस्ट पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र जारी किए हैं। प्राइमरी टीचर के लिए 25,270 पद खाली हैं। आवेदन भरने की योग्यता बीएड में डिग्री, अप्लाई करने की उम्र सीमा 21 से 37 वर्ष है। वहीं स्नातक शिक्षकों के पद की बात करें तो पदों की संख्या 12,065। अभ्यर्थियों की योग्यता पीजी डिग्री, प्रासंगिक विषय बीएड। इस पद पर आवेदन भरने की आयु सीमा 21 से 37 वर्ष। इन पदों पर अप्लाई करने के आवेदन शुल्क SC ST PH के लिए 300 रुपए, सिंगल पेपर के लिए अन्य उम्मीदवारों के लिए 500 रुपए, SC ST PW के लिए 500 रुपए और अन्य उम्मीदवारों के लिए 800 रुपए। फीस का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के उपयोग से ऑनलाइन करना होगा। चयन प्रक्रिया में बिहार TET परीक्षा में 150 अंकों के 2 पेपर शामिल होंगे और इनमें 150 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अभ्यर्थी 25 सितंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। बिहार स्वास्थ्य विभाग ने इन पदों के लिए रिक्तियां निकाली है। सहायक लोक विश्लेषक यानी कि असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट के लिए कुल मिलाकर 4 रिक्तियां हैं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट के लिए 1 रिक्तियां हैं। असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट के लिए 1 रिक्तियां हैं। सीनियर एनालिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए 91 वैकेंसीज हैं। फूड एनालिस्ट के लिए 6 वैकेंसी है। जूनियर एनालिस्ट के लिए 1 वैकेंसी है। इनमें से सबसे ज्यादा रिक्तियां फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए आवंटित की गई हैं। इन पदों पर आवेदन भरने के लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता भी तय की गई है। असिस्टेंट पब्लिक एनालिस्ट और सीनियर एनालिस्ट पद के लिए रसायन ज्ञान में स्नातक डिग्री और खाद्य विश्लेषक में 3 सालों का अनुभव अनिवार्य है। वहीं असिस्टेंट केमिकल एनालिस्ट पद के लिए रसायन ज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन और खाद्य विश्लेषक में 1 साल का अनुभव अनिवार्य है। जूनियर एनालिस्ट पद के लिए रसायन ज्ञान में स्नातक और खाद्य विश्लेषक में 1 साल का अनुभव अनिवार्य है। माइक्रोबायोलॉजिस्ट पद के लिए माइक्रोबायोलॉजी पोस्ट में ग्रेजुएशन अनिवार्य है। फूड एनालिस्ट पद के लिए रसायन विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, डेयरी रसायन विज्ञान, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य पोषण में मास्टर डिग्री, डेयरी या तेल में बैचलर डिग्री, रसायन विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित पशु चिकित्सा विज्ञान उत्तीर्ण खाद्य विश्लेषक अनुभाग में डिग्री, खाद्य विश्लेषक में 3 साल का अनुभव। फूड सेफ्टी ऑफिसर पद के लिए फूड टेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी, वेटनरी साइंस, बायोमेट्रिक, माइक्रोबायोलॉजिस्ट में डिग्री या रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या चिकित्सा में डिग्री। आवेदन भरने के लिए अभ्यर्थियों को बिहार स्वास्थ्य विभाग के ऑफिशियल साइट www.health.bih.nic.in पर लॉग इन कर 25 सितंबर तक आवेदन भरना होगा। वहीं अगर उम्र सीमा की बात करें तो सामान्य श्रेणी के लोगों की आयु सीमा 37 वर्ष है। BC व OBC श्रेणी के लोगों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष है। वहीं SC ST श्रेणी के लोगों के लिए आवेदन भरने की सीमा 42 वर्ष है। LIC ने असिस्टेंट पद के लिए बहाली जारी किया है। भारतीय जीवन बीमा निगम ने भर्ती करवाने हेतु 8,500 पदों के लिए रिक्तियां बहाल की है। इच्छुक उम्मीदवार पूरे भारत में कहीं भी इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। इस पद के लिए शैक्षिक योग्यता के अनुसार अभ्यर्थी को किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। अभ्यर्थी की आयु सीमा 18 से 30 वर्षों तक होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। LIC के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी पूरी जानकारी उपलब्ध है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में कांस्टेबल ट्रेड्समैन की नौकरी के लिए 914 पदों पर रिक्तियां निकाली गई हैं। 18 से 23 साल के उम्र के लोग इन पदों के लिए आवेदन भर सकते हैं। कुक 350, मोची 13, नाई 109, वॉशरमैन 133, बढ़ई 14, स्वीपर 270, चित्रकार 6, मेसन 5, प्लम्बर 4, माली 4, इलेक्ट्रीशियन 3। बैकलॉग रिक्तियां हैं मोची 101, नाई 202। इन पदों पर अभ्यर्थी के आवेदन भरने की योग्यता कुछ इस प्रकार है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिक या कुशल ट्रेडों के लिए समकक्ष यानी नाई, बूटमेकर, कुक, बढ़ई, इलेक्ट्रीशियन, मेसन, माली, पेंटर, प्लम्बर और वॉशरमैन। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षित कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। ऑन स्किल ट्रेड, किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड में मैट्रिकुलेशन या अकुशल ट्रेड के लिए समक्ष यानी स्वीपर,
या खिलाड़ी जिन्होंने प्रतियोगिता के स्तर पर पदक जीते हैं। चयन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन ट्रेड टेस्ट, लिखित परीक्षा और मेडिकल परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इच्छुक अभ्यर्थी 1 अक्टूबर तक आवेदन भर सकते हैं। बिहार BTCS स्टाफ नर्स और ट्यूटर भर्ती 2019। बिहार तकनीकी सेवा आयोग ने स्टाफ नर्स ग्रेड ए एंड ट्यूटर के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना पढ़कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। सॉफ्टवेयर में सुधार किए जाने के कारण 2 सितंबर 2019 से आवेदन प्रक्रिया स्थगित कर दी गई थी, जिसके बाद अब पुनः आवेदन 19 सितंबर 2019 से 12 अक्टूबर तक विस्तारित किया जाएगा। कुल पदों की संख्या 9,299 है, जिसमें से स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए 9,130 रिक्तियां हैं। वहीं ट्यूटर के लिए 169 पदों पर रिक्तियां हैं। इन पदों के लिए शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। स्टाफ नर्स ग्रेड ए के लिए GNM सर्टिफिकेट अनिवार्य, साथ ही साथ अभ्यर्थी को बिहार परिचालिका निबंधन परिषद पटना से निबंधित रहना भी अनिवार्य होगा। इसके अलावा अभ्यर्थी की आयु सीमा स्टाफ नर्स पद के लिए मिनिमम उम्र सीमा 21 साल है, वहीं मैक्सिमम आयु सीमा अनारक्षित पुरुष 37 साल, अनारक्षित महिला 40 साल, BC EBC पुरुष या महिला 40 साल, SC ST महिला या पुरुष 42 साल। बिहार पोस्टल सर्कल GDS साइकिल 2 भर्ती 2019। इंडिया पोस्ट शाखा डाकपाल, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक पद के लिए बिहार में ग्रामीण डाक सेवक साइकिल 2 के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करता है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना पढ़कर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पद का नाम ग्रामीण डाक सेवा GDS, कुल पद की संख्या 1,063, जिसके लिए अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और मैथ्स और अंग्रेजी अनिवार्य विषय या वैकल्पिक विषय के साथ स्थानीय भाषा का ज्ञान, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। वहीं आयु सीमा न्यूनतम आयु 18 वर्ष, अधिकतम आयु 40 वर्ष। इच्छुक उम्मीदवार www.appost.in/gds-online/home.aspx पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 22 सितंबर है। बिहार STET ऑनलाइन आवेदन पत्र 2019। बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इच्छुक उम्मीदवार बिहार TET भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। BTET नवंबर या दिसंबर के महीने में परीक्षा आयोजित करने जा रहा है, जिसका फॉर्म सितंबर में जारी किया जाएगा। BTET में कुल 37,335 रिक्तियां हैं। इच्छुक अभ्यर्थी www.beseb.steet2019.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष होनी चाहिए। ऑफिशियल साइट पर फॉर्म से जुड़ी बाकी जानकारी आपको मिल जाएगी। पटना उच्च न्यायालय विधि सहायक भर्ती 2019। पटना उच्च न्यायालय ने विधि सहायक के पद के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक अधिसूचना पढ़कर ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। पद का नाम लॉ असिस्टेंट। शैक्षणिक योग्यता कुछ इस प्रकार है। उम्मीदवार को बार काउंसिलिंग ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से लॉ ग्रेजुएट पोस्ट से ग्रेजुएट होना चाहिए। आवेदक ने विज्ञापन के प्रकाशन के 2 साल के भीतर LLB LLM परीक्षा पास किया हो। चयनित उम्मीदवार को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इच्छुक उम्मीदवार patnahighcourt.gov.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। आवेदन भरने की आखिरी तारीख 25 सितंबर 2019 है। आइए जानते हैं बिहार PSC असिस्टेंट इंजीनियर बिहार लोक सेवा आयोग के बारे में। अगर हम बात करें असिस्टेंट इंजीनियर मैकेनिकल के बारे में, तो इसमें पदों की संख्या कुल 10 है, जिसके लिए योग्यता मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। अगर आयु सीमा की बात करें तो 21 से 37 वर्ष के उम्र के लोग ही इस पद के लिए आवेदन भर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल की अगर हम बात करें तो इसमें कुल पदों की संख्या 18 है, जिसकी योग्यता सिविल इंजीनियर में डिग्री होनी अनिवार्य है, जिसकी आयु सीमा 21 से 37 वर्ष तक है। इच्छुक अभ्यर्थी 4 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है। चयन एक लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 पेपर शामिल होंगे। पेपर एक में कुल 200 अंकों के सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। पेपर 2 में सामान्य ज्ञान और संबंधित इंजीनियरिंग व्यापार के 200 प्रश्न होंगे। कुल अंक 2 घंटे की अवधि के साथ 200 होंगे। आशा करते हुए हमारा ये सेगमेंट बेरोजगारों के लिए रोजगार आपके लिए सहायक साबित होगा। धन्यवाद।